नमस्कार, मैं उस्मान अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। दिन दहाड़े कंपनी के कर्मचारियों से 9 लाख की लूट। बैंक जा रहे युवक को तमंचे सटाकर बदमाशों ने वारदात कर दिया अंजाम। सुल्तानपुर के लॉकडाउन के बाद लूटे जैसे घटना का इनपुट देने के लिए शासन ने जिला सतर्क रहने का संदेश प्रतीत किया था, लेकिन सुल्तानपुर के पुलिस लगातार गच्चा खा रही है। कहीं लूट की घटना के बाद आज दिन दहाड़े 9 लाख की लूट हो गई। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के बाद कंपनी और कर्मचारी 9 लाख लेकर बैंक में जमा करने जा रहे थे, तभी अज्ञात बदमाशों ने तमंचे बाल पर कैश को लूट लिया और फरार हो गए। घटना की सूचना पर हड़कंप मच गया। पुलिस नाकेबंदी कर रही है, लेकिन हर बार की तरह लुटेरे फरार हो चुके। मोहम्मद दानिश, क्राइम ब्यूरो सुल्तानपुर की खास रिपोर्ट। अभी 9,02,000 रुपए की लूट जो एक फाइनेंस कंपनी के द्वारा की गई है, इस घटनाक्रम में क्या है और क्या हुआ है इसमें अभी तक? आपको बता दें कि 9 लाख की लूट की सूचना एक युवक के द्वारा दी गई है। हम घटनास्थल पे आए हैं। आपको बता दें, सुबह से ही पूरे जनपद के बॉर्डर सील हैं। आप खुद भी निकलेंगे तो आपको ये चीज़ कदम कदम पे दिख जाएगी। हर थाना क्षेत्र में दो से तीन जगह पे चेकिंग कंटिन्यू हो रही है, हर बाइक की चेकिंग हो रही है। बॉर्डर भी हमारे सील हैं, तो पूरी तरीके से बॉर्डरों को सील करके चेकिंग फिस्टिंग हो रही है। उसके बाद भी एक युवक के द्वारा सूचना दी गई है कि वो एक कंपनी से 9 लाख रुपये लेके चला, और उसके बाद में लगभग 500-700 मीटर जाने के बाद में दो युवक आए और आकर उसका बैग छीन लिया। वो गिर गया और गिरने के उपरांत उसका बैग निकाला और बैग निकाल कर वो लोग चले गए। हम अभी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। ना तो युवक को कोई चोट लगी, जबकि वो बता रहा है कि रोड पे वो गिरा था, ना तो युवक को कोई चोट लगी है, ना ही उसकी शर्ट गंदी हुई है, ना ही उसकी बाइक में स्क्रैच आए हैं। और इवन देन आसपास के सामने वाले जो दुकानदार हैं वो भी हमें ये बात कह रहे हैं कि साहब, यहाँ पे ना तो कोई इस तरह का एक्सीडेंट हुआ है, ना कोई रोड पे गिरा है। फिर भी पुलिस घटना की सत्यता की जांच करने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। बारिश हम लोग बात करें।